तो आके बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं जो हुआ सो गलती हुआ। वो लोग तो अभी भी ऐसा बात नहीं बोलते हैं। और दोस्तों देखिए किस तरह रो रो के बुरा हाल कर लिया है, जो कि हम लोग बहुत समझाए हैं, बहुत गए हैं गवाह गुजरने के लिए पापा सब ना, तो थोड़ा टेंशन हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और क्या बताएंगे दोस्तों, आज बहुत बुरा खबर है दोस्तों। देखिए इधर आरती जी सुबह से रो रही है। और दोस्तों इससे पूछते हैं कि क्या कारण क्यों रोती है, और क्या बताएंगे। आज तो गए हैं गवाह गुजरने के लिए पापा सब ना, तो थोड़ा टेंशन हो गया इनको। तो दोस्तों अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी भी इनको मतलब ऐसा बात नहीं है। माँ बाप इतना चीज़ कर दिया है जो कि अभी भी याद आता है, जो कि इनको भी बेरहमी से मारा था, ऐसा बात ना है, और अभी भी याद आ रहा है। सो इसी से पूछते हैं दोस्तों, और आप लोग जो है बने रहिएगा। देखिए अभी किस तरह रो रही है दोस्तों, क्योंकि आज पापा का गवाह था, वो गए हैं कोर्ट। सो इन्हीं लोग का था और गुजर गवाह मतलब हो रहा वहाँ पर इस वजह से रो रही है ये। मतलब आरती जी अभी भी इतना दया है ना अपने परिवार के लिए, अभी बहुत समझाया उनको लेकिन वो लोग नहीं समझा, लेकिन क्या करें। अब हम लोग के हाथ में तो लिखा नहीं है, कानून के हाथ में है दोस्तों। और दोस्तों देखिए किस तरह रो रो के बुरा हाल कर लिया है, जो कि हम लोग बहुत समझाए हैं बहुत, कि अब हम लोग के हाथ में नहीं ना है, तो लेकिन जो है फिर भी मतलब मानती है, लेकिन क्या करें, माँ बाप का फिर भी याद तो ऐबे करता है ना। सो देखिए, सो आप लोग इनको जो है कमेंट में बताइए दोस्तों, थोड़ा दिमाग शांत करने के लिए, जो हुआ सो हुआ है, अब क्या कर सकते हैं। और इधर बैगना खेल रहा है छोटा वाला, रे हो है, मक्खी भी बैठ रहा है। चलो अंदर चलो, क्या बताएंगे दोस्तों, जो कि सो आप ही लोग बताइएगा दोस्तों, कमेंट में बोलिएगा, क्योंकि हम बहुत समझाए हैं बहुत, जो कि 11-12 बजे से रोना शुरू किया है, अभी भी रो रही है, जो कि अभी 2:30 बज रहा है, 2:30। सो अभी तक रो रही है, तो बहुत समझाए हैं हम तो सिर्फ समझाएंगे ना, बाकी तो अब इनका काम समझना है, जो कि देख सकते हैं रो रो के किस तरह हाल कर लिया, बुरा हाल कर लिया। बाकी अब समझना है ये लोग का उधर का मतलब, इनके पापा लोग के उधर का है तो समझना है, तो क्या करेगा। इधर से समझाई बहुत बात, लेकिन वो लोग का अभी भी आकार है और दिखा रहे हैं, तो अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सब कानून के हाथ में, जो भी फैसला करेगा इनका पापा और भाई सबका, सो कानून करेगा। अब हम लोग तो यही ना रिक्वेस्ट करेंगे कि चलो जो आना था हो गया, अब देख सकते हैं रो रो के पूरा बुरा हाल कर लिया। सुबह से टेंशन, सुबह से। चुप हो जाओ ना, चलो रोने से कुछ थोड़ी होने वाला है, बाकी आप तो बहुत समझाए वो लोग को, वो लोग नहीं समझा, अब क्या कर सकते हैं इधर से। अगर वो लोग को अभी भी मतलब अथी है तो आके बोलते हैं, माफ़ी मांगते जो हुआ सो गलती हुआ। वो लोग तो अभी भी ऐसा बात नहीं बोलते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अपना टाइम बर्बाद मत करो बस, वो लोग को जैसे होता है करने दो, कोई बात नहीं। शिवा रे, ए मामी के चुप करा, मेरे से तो चुप नहीं हो रहा है, अब भेगना आएंगे छोटा वाला, चुप कराओ तो, अब वही करेंगे। अरे क्या हुआ रे, इधर देखिए भेगना किस तरह रो रहे हैं, रो रहे, क्या हुआ रे दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम, हमको जितना होता उतना तो कर दिए हैं, बाकी अब वो लोग को समझना है। अगर अभी भी अगर
थोड़ा सा भी अथी होता ना दया में आता, अभी भी आता माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन अभी भी अकर है और वो लोग नहीं आता है माफ़ी मांगने के लिए। ये मामी का चुप करा नूनू, नहीं चुप करा ना आया, इनको बोलते हैं चुप करने के लिए, चुप कराओ ना। चुप होता है, चुप नहीं होता है, जो कि हम लोग सुबह से लगे हैं और 12-12 बजे से लगे हैं, जो कि उधर से कॉल भी किया था तो इधर से तो आरती जी समझाए वो लोग को, लेकिन वो लोग नहीं समझाए है ना। सो आप ही लोग समझाइएगा कमेंट में, चुप हो जाओ, ये मत करो ऐसे। तो ठीक है दोस्तों, बाकी ये शांत होंगे तो फिर जरूर की बात करेंगे आप लोगों से। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, पापा लोग आएंगे तो दिखाएंगे जरूर। तो दोस्तों अभी जो है इनको चुप करा रहे हैं तो मतलब नहीं हो रही है। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो का अंत करते हैं क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, पापा सब और मम्मी सब आएंगे क्योंकि सब गए हैं, भैया सब गए हैं मिलकर, तो वो लोग आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आप सभी को वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ गवाही में। सो ये वीडियो का अंत करते हैं क्योंकि इनको थोड़ा चुप कराते हैं, खाना वाना नहीं खाइए चिंता से। सो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।